अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास सैमसंग का डिजिटल इन्वर्टर यूनिट है, RD58 की मॉडल है इसका। ठीक है, इसके सामने ऐसा डिस्प्ले है और ये ट्विन कूलिंग सिस्टम है इसमें। और इसमें बेसिकली दो एवेपोरेटर्स लगे हुए हैं, एक एक ये फ्रीज़र के अंदर लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये एक फ्रीज़र के अंदर लगा हुआ है और एक जो है हमारा रेफ्रिजरेटर के अंदर ये लगा हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो रेफ का ऑपरेटर है वो उसकी कंडीशन जो है वो ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, ये देख सकते हैं इसमें सिल्वर टेप लगा हुआ है और मैजिक वगैरह लगा हुआ है। तो बेसिकली ये जो एवेपरेटर्स हैं ये लीक हो जाते हैं और इंटरनल लीक भी हो जाता है ये। तो आपको इसको वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई करना ज़रूरी है कि पहले आप सबसे पहले नीचे के एवेपरेटर चेक करेंगे, उसके बाद जो है पीछे जो जितने भी जॉइंट्स हैं वो तमाम जॉइंट्स चेक करेंगे, और कहीं से अगर लीकेज आपको दिखती है तो आपको उसको वेरीफाई करके जो है फिर उसका सोल्यूशन करना है। ठीक है, ये एवेपरेटर्स जो हैं इनमें मैजिक नहीं लगती और ये जो है रिलायबल नहीं होता। तो अगर एवेपरेटर चेंज कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर आपके पास एवेपरेटर नहीं है तो फिर आपको कॉपर के पाइप्स जो हैं वो कॉपर के पाइप से एवेपरेटर बनाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा मसला ये है कि हमारा जो है ये नीचे का एवेपरेटर डिफेक्टिव है और हम इसको अभी चेंज करेंगे। खैर, हमारे पास तो ब्रैंड न्यू एवेपरेटर है तो हम जो है ये इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, ब्रैंड न्यू हमारे पास ये एवेपरेटर है तो हम ये इसको इंस्टॉल करेंगे। मैं आपको पीछे के तमाम जॉइंट्स दिखा देता हूँ कि जो आपको वेरीफाई करने हैं। ये हमारे पास पीछे के तमाम जॉइंट्स हैं कंप्रेसर के। ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट लगे हुए हैं। अगर ये कहीं से यहाँ पे लीकेज ना हो तो जो ये बॉडी के अंदर ट्रे कंडेंसर का पाइप है, ठीक है, ये भी चेंज हो चुका है इसका। इसका मतलब है कि ये लास्ट टाइम जो है वो लीक हुआ होगा, जिसकी वजह से जो है ये पाइप जो है इन लोगों ने दूसरा लगाया है। अभी हमने इसको चेक किया तो ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, मतलब ये लीक नहीं है। और नीचे का एवेपरेटर जो है वही 100% लीक था, बाकी बाहर से जो है वो कोई जॉइंट वगैरह लीक नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारा जो नीचे का रेफ का एवेपरेटर है, अभी हम वो चेंज करेंगे, उसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे, फिर इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये यूनिट हमारा फर्स्ट क्लास हो जाएगा।